पल्लवी जी जुड़ चुकी हैं मेरी कविता फिर जी कभी सुनेंगे। और हम हाँ बहुत बहुत स्वागत पल्लवी जी का, और मैं आपका परिचय दूं। कंटिन्यू पल्लवी जी, आप आगरा में रहती हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी किया है। कॉलेज से ही आपको कविताएं लिखने का बहुत शौक रहा है, और साहित्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से आप सक्रिय हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आप शास्त्रीय गायन में विशारद की उपाधि प्राप्त हैं। बहुत आज हमको सुरीला कंठ सुनने को मिलेगा, और कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कविताएं कहानियां आपकी छप चुकी है, और आकाशवाणी से भी इनकी कविताएं और कहानियों का प्रसारण होता रहता है। आपका बहुत बहुत इस एन चंद्रा ग्रुप पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अनीता अन्ना, और साथ में है रजनीश गोयल जी, आपका स्वागत करते हैं। आप शुरू कीजिए। भारत माँ के मस्तक पर सजी स्वर्णिम बिंदी पर, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी। क्या बात है, बहुत नमस्कार। सुंदर। नमस्कार। मैजिक मैन नरेशन जोशी जी के पेज से जुड़े हुए सभी सुधी जनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले इस महायज्ञ को आहूत करने के लिए मैं नरेशन जोशी जी, नीता जोशी जी, हरीश नवल सर प्रणाम। और तुम सबका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, और कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे यहाँ जुड़ने का अवसर प्रदान किया आपने। मेरा मानना है कि बिल्कुल आजादी के साल स्वागत। बाद भी अगर हिंदुस्तान में हिंदी दोयम दर्जे पर है, तो यकीन मानिए एक दिन वर्ष में एक बार हिंदी दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा। हर रोज बिल्कुल हर सही। व्यक्ति को हिंदी का सम्मान करना सीखना होगा, और तभी कुछ स्थिति बदल पाएगी। सही कहा आपने, बिल्कुल सही पल्लवी जी, बहुत सही कहा आपने। मुझे लगता है अनीता जी आप भी इससे सहमत होंगे। बिल्कुल सहमत हैं, और कि अपनी सब भाषाओं का विकास होना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा आहत नहीं होनी चाहिए। बस ये दर्द दिल में रहता है हमेशा कि हमारी भाषा कोई आहत ना करे। तो ये जो आपने बात कही, इस पे मुझे अपनी सखी कंचनलता पांडे जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, तो मैं उन्हीं बिल्कुल से कंचनलता जी अब हमारी भी सखी बन गई हैं। कमी है स्वागत कि है। जो सबकी सखी हो जाती। तो बिल्कुल स्वागत। हिंदी में ही होश संभाला, हिंदी ही अच्छा, आती, क्या हिंदी में बात ही है। हिंदी ही आती है, सीखी है अंग्रेजी फिर भी हिंदी ही भाती। क्या बात है, हिंदी बिल्कुल सही कहा आपने। लोक ले जाती, चंदा मामा वाली लोरी माँ हिंदी में ही सुनाती है। संचार और बिल्कुल विस्तार से सही, दुनिया बहुत सुंदर। संचार और विस्तार से दुनिया सिमट गई है, अंग्रेजी ने पांव पसारे, अमर बेल बन लिपट गई। क्या बड़ा बात है, विद्रोह बिल्कुल सही कहा। पीढ़ी ने दिखलाया है, बड़ा विरोधाभास हमारी पीढ़ी ने दिखलाया, हिंदी को प्रोत्साहन देते अंग्रेजी को पढ़ाया है। क्या फिर बात, भी बिल्कुल हमारी क्या सच्चाई आपने प्रत्यक्ष वर्णन किया है, बहुत सुंदर। फिर भी हमें भरोसा है हिंदी को ना झुकने दे फिर भी हमें भरोसा है हिंदी को ना झुकने देंगे, अंग्रेजी वाले बच्चों में भी संस्कार वही अपने थे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ख्याल। है ये हम माओं की कंधों पे जिम्मेदारी है कि अंग्रेजी वाले बिल्कुल बच्चों बिल्कुल जिम्मेदारी है। है आज का सच पिज्जा बर्गर है आज का सच पिज्जा बर्गर और रोटी से ना हटने देंगे। वो हो चाहे परदेश में पर सपने वही हिंदी वाले देंगे। क्या बात है, सपने हिंदी में देखने हैं, बहुत बढ़िया। उसे गिराए आगे जाएं ये अपना नहीं तरीका है, उसे गिराए बिल्कुल आगे ये अपना नहीं तरीका है, दौड़ लगाए और हराए यही हमने सीखा। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हमें घुमा है, हम हिंदुस्तानी हमें घुमा है भारत माँ की बिंदी का, हम हिंदुस्तानी हमें घुमा है भारत माँ की बिंदी का, अंग्रेजी अस्तित्व में हो पर वर्चस्व रहे हिंदी। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अंग्रेजी में होते भी हिंदी का वर्चस्व कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आज हिंदी दिवस पे मेरी बस यही कामना है कि
कि हमारी हिंदी का वर्चस्व ऐसे ही बना रहे, रोज बरोज बढ़ता रहे। हिंदुस्तान में तो कम से कम हिंदी सर्वप्रथम होनी चाहिए। सर्वप्रथम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये कुछ पंक्तियां थी मेरी सखी कंचनलता पांडे जी। तो पल्लवी आज जी, मैं कहना चाहूंगी आपको कि बहुत लोग आपको सुन रहे हैं। नीताजी जोशी बोल रही है कि मैं आपसे सहमत हूँ, आपकी बातों से सहमत हूँ। कंचन लता पांडे जी आपका स्वागत कर रही हैं। नीता जोशी जी के लिए पल्लवी जी का पटल पर स्वागत है। राम नारायण सिंह जी आपसे जुड़े हुए हैं और रघुवीर सिंह जी चारण हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और अच्छे से जुड़े हुए, आपके अच्छे दर्शक और श्रोता बने हुए हैं। आभार मेरा बहुत बहुत। तो जी, आज स्वागत है के मेरा, मैं शुरू कर रही हूँ अपनी कविताओं से। तो स्वागत। सबसे मैं इस कोविड काल में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया, तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। अपनी माँ को खोया। अच्छा, तो मैं ये कविता मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी, बहुत खुश हुई थी। तो मैं इससे अपना काव्य पाठ शुरू बिल्कुल कर रही हूँ। बिल्कुल। सॉरी। मैं तो पल्लवी जी, आप भावुक हो गई है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद ने अपनी माँ को खोया, और उसी दिन जिस दिन माँ को खोया उसके 8 दिन जो घर में माहौल था उसके बाद ही मैंने लिखना शुरू किया है। मैं इस चीज दर्द से गुजर चुकी हूँ और मैं अच्छे से समझ सकती हूँ आपके दर्द को, कि उस वक्त जब माँ की मृत्यु हुई उसके बाद जब घर में सब लोग अजनबी लगने लगे और लग रहा था कहीं से माँ आवाज दे रही, तो जो अंदर से निकली और एक रचना 5 मिनट में क्या रचना बनी, वो मेरी अमिट रचना बन गई है। अगर टाइम मिला तो मैं भी कभी सुनाऊंगी आपको। स्वागत है आपका, आप भावुक हो गई है इसलिए मुझे भी दर्द अंदर तक महसूस हुआ। सुनाइए आप, स्वागत है। ये कविता मैंने बहुत साल पहले अपनी माँ के लिए लिखी थी और बहुत खुश हुई थी वो। बिल्कुल बहुत ये भी काफी लोगों ने पसंद भी की थी, बहुत सराही गई। और तो आप खुश नसीब हैं कि आपने ये कविता अपनी माँ को सुना भी दी है, लेकिन मैं तो बदनसीब, मैं वो कविता सुना भी नहीं पाई क्योंकि लिखना ही बाद में शुरू किया, उसी दर्द से लिखना शुरू किया। बिल्कुल स्वागत है अब आपका। मैं शुरू कर रही हूँ। माँ तुम बहुत याद आ रहे। ये वो टाइम था जब मैं माँ को मिस कर रही थी। मेरा बेटा जब पढ़ने बाहर चला गया था और बहुत अकेलापन था मेरे पास, तो उस समय मैंने बिल्कुल अपने माँ के बिल्कुल। करते हुए ये कुछ पंक्तियां लिखी थी। तो माँ तुम बहुत याद आ रहे, पानी पी बार लीजिए बार आप, कंचन लता जी भी आपकी बहुत चिंता कर रही है, पानी पी लीजिए एक घूंट, फिर अच्छे से सुनाइए। थैंक यू। जी माँ तो बहुत याद आ रही। एक बात बताऊं, आजकल तुम मुझमें समाती जा रही हो। आईने में अक्सर तुम्हारा अक्स उभर आता है, आईने में अक्सर तुम्हारा अक्स दोबारा उभर आता है, और प्राणों में अतीत की हर एक बात दोहरा। आईने में अक्सर तुम्हारा अक्स उभर आता है, और आईने में अक्सर कानों में अक्सर अतीत की हर एक बात दोहराता है। मुझमें हो या मैं तुझमें, तुम मुझमें हो या मैं तुम में, समझ नहीं पाती हूँ। तुम मुझमें हो या मैं तुम में, समझ नहीं पाती हूँ, पर आज खुद को तुम्हारी जगह खड़ा पाती हूँ। पर आज खुद को तुम्हारी जगह खड़ा पाती हूँ। स्वागत है। तुम्हारी जिस बात पर, तुम्हारी जिस जिस बात पर घंटों हंसा कर, कभी नाराज होती थी, लड़ती थी झगड़। तुम्हारी जिस जिस बात पर घंटों हंसा करती थी, कभी नाराज होती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, वही सब माँ, वही सब अब मैं स्वयं करती। अंतर सिर्फ इतना, तब वक्ता थी और आज श्रोता बनी। क्या बात है, क्या बात है। अंतर है कि तब वक्ता थी और आज श्रोता बन गई। हर पल हमारी राह तकती तुम्हारी याद, हर पल तुम्हारी राह, हमारी राह तकती तुम्हारी आंखें, आज मेरी आंखों में बदल। हर पल तुम्हारी राह तकती, हमारी राह तकती तुम्हारी आंखें, आज मेरी आंखों में बदल गई। तुम्हारी दर्द को आज समझ पाती, तुम्हारे दर्द को आज समझ पाती हूँ। मैं तुम्हारी ही तरह इंतजार कर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन करता है मेरा फिर से अतीत को लौट, मन करता है मेरा
फिर से अतीत को लौटाऊं, तुम्हारे पास आकर तुमको खूब लाड़ लगाऊं। क्या बात है। मन करता है मेरा फिर से अतीत को लौटाऊं, तुम्हारे पास आकर तुमको खूब लाड़ लड़ाऊं। आज तुम बेटी और मैं माँ बच्चा। माँ क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये मेरी माँ आवाज आ की रही है याद। मेरी? हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं आपकी इस कविता पे मैं अपनी अपनी पंक्तियां कहना चाहूंगी कि पहले आंसू आते थे तो तू याद आती थी। पल्लवी जी, आप आपकी आवाज कुछ टूट रही है अनीता जी। हेलो, हेलो, अनीता जी शायद फ्रीज हो गई है। जी की आवाज नहीं आ रही है। तो मैं अपनी कविताओं का ये सिलसिला चालू चालू रखती हूँ, शुरू रखती हूँ। तो जो ये भावपूर्ण और अतुकांत शैली में लिखी हुई कविताएं होती हैं, ये कुछ इनको कोई बंधन नहीं पसंद होता। ये एक अल्लड़ युक्ति सी होती है, बिना बंधन बिना नियम के चलना चाहती। तो ऐसी मेरी कविता है। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत। कुछ हमें लगता है कनेक्शन वो हो गया था आपका। तो जी अगली जी कविता जी मेरी के बारे में है। स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल आज के यौवन की तरह, आज के युवा वर्ग की तरह नियमों और बंधनों को नहीं। तो न दोस्त किसी की न रकीब होती है। मेरी स्वागत। कविताएं अजीब होती हैं, न दोस्त किसी की न रकीब होती है, न बंधे क्या किसी बात बंधन है, में, न बंधे किसी बंधन में ना इनका दायरा कोई, न बंधे किसी बंधन में ना इनका दायरा कोई, फिर भी अक्सर लोगों को रीझ। क्या बात है। किसी बंधन में ना इनका दायरा कोई, फिर भी अक्सर लोगों को अजीज हो। किसी अल्लड़ हसीना, किसी अल्लड़ हसीना सी, किसी दरिया के पानी, कोई आधी तूफानी सी, अपनी ही धुन में मस्त मौजों की रवानी। किसी अल्लड़ हसीना सी, किसी दरिया के पानी सी, कोई आंधी तूफानी सी, अपनी ही धुन में मस्त मौजों की रवानी। जो भी है बहुत सुंदर, जैसी, जो भी है जैसी भी है, मेरे दिल के बड़े करीब। क्या बात है, जो भी बहुत है सुंदर। जैसी भी, मेरे दिल के बड़े मेरे दिल करीब के होती। बड़ी कदम है। मेरी कविताएं थोड़ी अजीब, ध्यान दीजिएगा अनीता जी, ध्यान दीजिएगा। न गजल न नजम, न बिल्कुल गजल बिल्कुल न सुन रही नजम, हूं मैं। न गजल न नज, ना ये रुबाई होती है, ना दोहा न छंद, ना अच्छा, ये चौपाई होती वाह वाह, है। न गजल नज, ना ये रुबाई होती है, ना दोहा न छंद, ना ये चौपाई होती है। होती है। न गिनती, ना कोई मीटर इनका, ना गिनती मात्राओं की। कभी बातें मेरी तुम्हारी, कभी बातें मेरी तुम्हारी, और कभी मात्राओं की। ना कोई मीटर इनका, ना क्या कोई बात है, गिनती बहुत मात्राओं सुंदर। की। बातें मेरी तुम्हारी और कभी फिजाओं की। जो सुनोगे दिल से, जो सुनोगे दिल से, तो जिंदगी होती।
जो क्या तेरे बात, जिंदगी वरना कागज पे लिखी कुछ लाइनें, एक कविता नुमा सी चीज, कागज क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पे लिखी हुई ये लाइनें कविता नुमा सी चीज। तो बस ऐसी ही है, अल्लड़ हसीना सी मेरी कविता है, मेरी कविताएं थोड़ी अजीब। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कविता है आपकी। बहुत सुंदर जी पल्लवी, तुम्हारी तो बस तरह सुंदर तुम्हारी रचना है। बिल्कुल, धन्यवाद, कि शब्द शब्द से मोती बनते माला में पिरोती कविता है, शब्द शब्द से मोती बनते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। शब्द 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 से मोती बनते माला में पिरोती कविता है, बूंद बूंद से पलती बढ़ती चलती रहती सरिता है, घर घर सदा खुशियां फैलाती, घर घर सदा खुशियां फैलाती। चाहे आपका, अगली रचना से, अगली रचना का स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अगली रचना मेरी जिंदगी से एक छोटा सा पल्लवी थोड़ा जी, आसपास कन्वर्ट। कोई फोन? हाँ पल्लवी क्या कह रही है? जी, कोई फोन हाँ पड़ा हो तो हटा लीजिए आसपास, उससे शायद नहीं, इधर कोई फोन नहीं है। कोई फोन पास आएगी। और नहीं, कोई फोन नहीं रहेगा। जी, ठीक, स्वागत स्वागत है। तो मेरी अगली कविता जिंदगी से, कुछ बुरा टाइम भी आता है कभी कभी लाइफ में, और बिल्कुल जो बिल्कुल आते हैं। वक्त होता है उस वक्त मैंने जिंदगी से थोड़ी सी बातचीत की है, तो बस वही जो कन्वर्सेशन, वही बातचीत है वो इस कविता में आपको सुना रही हूँ। कल एक झलक जिंदगी को देख, कल एक झलक जिंदगी को देख, वो राहों पे मेरी बिल्कुल, गुनगुना रही। कल एक झलक अच्छा जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही। जब ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूजे से, हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूजे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूजे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही। बिल्कुल, मैंने पूछ लिया, इतना दर्द क्यों दिया तूने, मैंने पूछा इतना दर्द क्यों दिया तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ, जीना सिखा रही, जिंदगी हूँ। बहुत सुंदर बहुत मैं बढ़िया, जिंदगी सिखा रही। जिंदा जिंदा सिखा रही थी, बहुत बढ़िया। था मेरे बुरे टाइम में, बुरा वक्त बिल्कुल बिल्कुल, था, सबका और वक्त है। नंद कुमार फिर जी झा हमारे साथ। नमस्कार, नमस्कार नंद कुमार जी। आप नमस्कार। पल्लवी जी, आप अंतिम रचना आपकी सुना दीजिए। नंद कुमार जी झा सब हमारे जुड़ चुके। अंतिम पे आ जाओ। पल्लवी जी, चलिए अंतिम 3 मिनट आप अपनी कविता सुना। तो ये जो अंतिम मेरी रचना है वो मेरे बारे में, ये जो अंतिम रचना है ये मेरे अपने बारे में है। तो पहाड़ी, जी
पहाड़ी सफेद चांदी से दिखती है ना, वही नर मुलायम बर्फ है। मेरे नीचे टुकड़ों की पत्तियों पर मोती की कमी बस पक्षियों का कलरव होता है, वो जो भोर भरे तुम्हारी खिड़की पर, वो जो भोर भरे तुम्हारी खिड़की पर जाते आपकी आवाज नहीं आ रही अभी थोड़ी पल्लवी जी। बस ठीक आवाज में क्लियर नहीं आवाज क्लियर। आप ईयरफोन निकाल के देखिए, ईयरफोन निकाल के देखिए, ईयरफोन निकाल के अब कीजिए। अब बोलूं? अब पढ़िए। हाँ अब आ रही है आवाज बिल्कुल। तो मैं ये रचना फिर से शुरू करती हूँ। जी स्वागत है। वो जो दूर पहाड़ी पर सफेद चांदी सी बिछी है ना, बस वही नर मुलायम बर्फ। बस आ रही है मेरी? जी जी ठीक है, थोड़ी मध्यम है। हाँ तू पहाड़ी पर सफेद चांदी सी बिछी है ना, बस वही नर मुलायम बर्फ। अनीता जी पल्लवी जी का बहुत बहुत लाइट आ रही है आपकी, बहुत मध्यम आ रही है आवाज। अब पता है अनीता जी आवाज आ रही है? अब जी क्या हुआ? अब ठीक आवाज नहीं आ रही अब है। ठीक है रजनी जी, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है पल्लवी जी, थोड़ा सा आगे होके बोलिए अब। हाँ जी जी। वो जो दूर पहाड़ी पर सफेद चांदी से बिछी है ना, बस वही नर मुलायम बर्फ। ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर नंद मोती सी थमी भी आ चुके हैं, वो उसकी बूंद है। सुबह सवेरे पत्तियों का कलरव होता है, बस वही संगीत में वो जो भोर भरे तुम्हारी खिड़की पर चमक जाती है, जो भोर भरे तुम्हारी खिड़की पर चमक जाती है, बस वही सुबह की सुगंध है। चांद के दाहिने चमक रहा है, मुझे चांद के दाहिने चमक रहा है, वो जो सारा है सूरज की मध्यम रोशनी, चांद की चांदनी है। सूरज की मध्यम रोशनी चांद की चांदनी हूँ मैं। सब उम्मीद का दामन है, छोटी छोटी खुशियाँ जिंदगी के मुंडेर पर बिखरी हुई, छोटी छोटी खुशियाँ और छोटा छोटी सी आशा हूँ बस जी। बहुत cool, बहुत सुंदर। ये थी मेरी अंतिम रचना जी, बहुत सुंदर पल्लवी जी, बहुत सुंदर। और इस पटल पर जी, पटल पर मैं बहुत तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करती हूँ पल्लवी जी, आपका हार्दिक स्वागत आने के लिए। और द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल आपका हार्दिक धन्यवाद करता है, और आप हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत